जिला साभा के ब्लॉक सुम के पहाड़ी गांव हंडर्ड में रास्ता नहीं होने की वजह से बुजुर्गों, बीमारों और गर्भवती महिलाओं को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता नहीं है और उबड़ खाबड़ है, दो पहाड़ उतरने पड़ते हैं। वहीं गांव में गर्भवती महिला की तबीयत अचानक खराब होने से वहां के पंच भाग सिंह ने गांव के कुछ लड़कों से पालकी बनवा कर उस गर्भवती महिला को समय रहते अस्पताल पहुंचाया। गांव में अस्पताल की दूरी 10 किलोमीटर है। 74 वर्ष हो गए आजादी को, मगर आज भी यहां गांव के लोग पैदल और घोड़े खच्चर का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं बैक टू विलेज कार्यक्रम के दौरान डीसी साबा की नजर इस ओर जरूर पड़ेगी, ताकि कम से कम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत यहां सड़क का काम शुरू करवाया जाए। शर्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा अक्सर ऐसा होता रहता है, कोई स्नेह केस हो जाता है, डिलीवरी केस होता है, या अदर कोई और बीमार पड़ जाता है कोई, तो पेशेंट मैक्सिमम हम लोग चारपाई या पालकी पे ही ले जाते हैं, लेकर जाते हैं। और आपने जो कैमरे से देखा भी होगा, लगाया कैमरा, पहाड़ी इलाका हमारा 10 किलोमीटर बनता है हमारा जीरो टू सुम्ब, तो मैक्सिमम जो हमारे ऐसे ही केस होते हैं और रोज़मर्रा का ऐसे ही ज़िंदगी जीते हैं हम लोग। और प्रशासन के आगे मैं अपील करता हूँ कि कोई ना कोई, आजकल रोड सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम रोड दे रहे हैं, सब हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं कहता हूँ पूरे जे एंड के में सांबा डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा क्यों है जो रोड की कनेक्टिविटी की वजह से सबसे पीछे है। एक सर्वे हुआ था, उसमें पूरा डिटेल में दिखाया गया था कि सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है रोड की वजह से सबसे पीछे है। इसका कारण क्या है? जहाँ तो जहाँ पॉपुलेशन नहीं है, ऐसे तो हम लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे मान लो कि गुलामी में जी रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में फिर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होती थी, रोड कनेक्टिविटी भी लोगों को होती थी, फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट, लेकिन हमारी आज़ादी को 70-75 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो आज भी हम वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो आज से 70-80 साल पहले जीते थे। हम आज भी वही ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं जैसे चारपाई पे पालकी पे उठा करके किसी पेशेंट को ले जाना पड़ता है। अभी तो चलो सुबह का टाइम है, ये रात की कल शाम की बीमार है ये, और डिलीवरी केस है, मानो कोई रब करे ना ऐसा कोई हादसा हो जाए, इसको तो तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए ऐसे पेशेंट को। तो अभी अभी आपने किस कॉल की एम्बुलेंस को या किसी और? एम्बुलेंस को कॉल करी है तो वो ऑलरेडी पहले एक पेशेंट लाने को जा रहा है, वो उधर डिलीवरी केस है, वो गोर्न में सांबा से सुम्ब से आगे गोर्न पड़ता है 6 किलोमीटर आगे, तो उसके साथ हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, कह रहा है वापसी में हम इसको। आपका रोड का काम क्यों नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा है कि आपका जो रोड का काम बंद है? सर देखिए, बहुत बार हमने इसका एस्टिमेट बना करके दिया है, सर्वे भी बाकायदे हुए हैं, पता नहीं ना जाने क्यों हमारे साथ ऐसा ब्यौरा सुतेला व्यवहार हो रहा है कि हमारा रोड का काम आता ही नहीं है कभी भी। पिछली दफ़ा अभी बैक टू विलेज में सुम्ब टू जीड का दिया था इन्होंने, हम मानते हैं कि फैसिलिटी ठीक थी, गवर्नमेंट की स्कीम पॉलिसी जो अच्छी थी कि बैक टू विलेज लोगों को कुछ ना कुछ फैसिलिटी बेनिफिट होगा, बट वो उसमें कुछ नहीं हुआ। 5-5 लाख रुपया दिया, 5 लाख से रोड कहाँ बनते हैं? 10 किलोमीटर की रोड होगी और 5 लाख में क्या होगा? तो हम कहते हैं कि कोई ना कोई स्कीम है, जैसे PMGSY में रोड आनी चाहिए या अंडर नबार्ड आनी चाहिए, लोगों को इतनी तो फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारा 250+ हमारी पॉपुलेशन है, जहाँ 3-4 कैटेगरी बताई थी इन्होंने कि 250+ पॉपुलेशन होनी चाहिए, स्टाफ ज़्यादा आना चाहिए, तो जहाँ 3 स्कूल हैं, 1 सब सेंटर है, 2 आंगनबाड़ी सेंटर हैं, लेकिन सारा स्टाफ जो आता है, अच्छा बच्चे हमारे बच्चे जाते हैं, मेरे को रोज़ जरूर 2-4 बच्चे जो है आगे पीछे हो जाते हैं, उनको छोड़ने को, ये जंगल का इलाका है जहाँ जंगली जानवरों का डर रहता है, उनको छोड़ने जहाँ सुबह आना पड़ता है, सुबह शाम को उनको फिर को लेने के लिए आना पड़ता है एक आदमी को। हर आदमी की ड्यूटी एक कि हमने लगाई होती है रोज़ की रोज़। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे कहते हैं कि लाडली बेटी वाली स्कीम चलाई है, महाराज बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये मतलब ऐसे खाली दिखावा है ये, और ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है इसके बारे में। हम गवर्नमेंट से या प्रशासन से मैं अपील करता हूँ कि कुछ ना कुछ सोचो, कुछ करो, हमारे लोगों के बारे में सोचो, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, नहीं तो जहाँ ये गुलामी वाला ही मसला है, जो जैसे हम आज ज़िंदगी जी रहे हैं गुलामी से भी बदतर है ये, तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि लोगों का ग्राउंड लेवल पे काम करो, लोगों की समस्याओं का हल करो। ये खाली भाषण देने से लीडर लोग आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, फिर 5 साल के बाद आते हैं, फिर वोट मांगते हैं, हमारा काम कोई नहीं करते हैं। तो हम कहते हैं कि दिखावा ना करो,
कम से कम ग्राउंड लेवल पे लोगों का काम करो। यही मैं कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।